राज, जरा देखना, शायद कबाड़ी वाला आया, उसको बुलाया था मैंने। अरे सुरेश, आ गए तुम? नमस्ते भैया। नमस्ते, बैग बैग में रद्दी लेके आता। जी भैया। भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ मैं, बस सुनीता नहीं आई तो पोछा लगाना पड़ रहा है। अच्छा, ले भाई। जी जी भैया। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? पूछ पूछ। वो भाभी जी जिस पोछे से काम कर रही हैं, वो डंडी वाला पोछा तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया, मार्केट में कितनी नई नई चीजें आ गई हैं। हाँ, हमने एक मंगाया था, बहुत बढ़िया चीज है, खड़े खड़े आराम से पोछा लगता है इसमें। अच्छा, कितने में लिया भैया आपने? अरे तेरे किस काम का है, तू क्या करेगा, बहुत महंगा आइटम है। अरे नहीं भैया, वो मुझे अपने लिए नहीं लेना है ये, दरअसल भैया मेरी बीबी पेट से है और घर में साफ सफाई का काम होता है तो उसे झुक के पोछा लगाना पड़ता है तो दिक्कत होती है। मैं सोच रहा था उसको भी ये डंडी वाला पोछा दे दूंगा तो वो भी खड़े होकर आराम से काम कर लेगी। हाँ फिर तो ले सकते हो तुम। हाँ आप बताइए ना भैया, कितने में खरीदा आपने, मैं भी ले लूँगा। ये यार 1500-2000 के बीच में आया था कुछ। 1500-2000 रुपये? ये तो बहुत महंगा है भैया, इतना महंगा पोछा तो नहीं खरीद पाऊंगा मैं। चलो कोई नहीं, इसका तो हिसाब कर दो। जी भैया। भैया 150 रुपये दे दो आप इसके। ये लो। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। धन्यवाद भैया। सुरेश, अरे सुरेश रुको रुको, ये ले जाओ। पर भैया ये तो आपने अपने लिए खरीदा था ना, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? अरे तो क्या हो गया, ये तुम्हारी बीवी के बहुत काम आएगा, प्रेगनेंसी में से बैठ के पोछा लगाना बहुत रिस्की होता है। नहीं नहीं ये तुम रख लो। भैया ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? एहसान वाली कोई बात नहीं है सुरेश, यूं समझ लो कि ये तुम्हारी बीवी और होने वाले बच्चे की भलाई के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपको नहीं पता आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बीवी का ध्यान रखना। जी भैया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे प्यार हुआ है। जोर से बोलो, हे